नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा फॉर यू में। और मैं राजा मिश्रा आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि यदि आपके घर में प्रतिदिन झगड़ा होता है, कलेश होता है, परिवार में सुख शांति नहीं है, तो आपके घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार जो चीजें रखी हुई है वो सही नहीं है। केवल और केवल वास्तु शास्त्र, यानी यूं कहूँ तो वास्तु दोष है आपके घर में, जिसके कारण आपके घर में ये रोज रोज झगड़ा, कलेश ये सब होता है। आप सुखी से या सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके घर में ये झगड़ा, कलेश, दुख, बीमारी, नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी है ये सब सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूँ राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यू चैनल। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी विषय में जानना चाहते हो और यदि आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसके बारे में जान सकें। मैं काफ़ी खोजबीन करने के बाद, कई सारे शास्त्रों, वेदों और बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद कोई वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही नहीं बना देता, जिसमें पाँच मुख्य चीज़ जो जनरल सभी घर में होती है, जिसके कारण लगभग बहुत सारे घरों में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो पांच जो चीज़ें वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जिसमें पहला है कि आपके बाथरूम का द्वार या आपका किचन या कोई एज लाइक कह सकते हो खंभा वगैरह, ये सब आपके घर के सामने, मैंने जैसा कि बताया आपको, पुस्तक हमारे सामने खुली हुई है, मैंने काफ़ी पढ़ने बाद, अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बाथरूम घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं होना चाहिए, किचन घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं होना चाहिए, कोई खंभा वगैरह यानी कोई भी रुकावट जो है सो घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में अलमीरा रखना चाहिए। आपके घर का जो अलमीरा है, अलमारी, उसे आपको घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में यदि आप रखते हो तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब रिमूव हो जाएगी, यानी हट जाएगी, चली जाएगी। ये आपको उपाय एक करना चाहिए। यदि आप दूसरी दिशा में अलमीरा को रखे हो तो उसे उठा करके आप घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप रखते हो। तीसरा जो है वो है कि गणेश जी का यदि आप मूर्ति घर के अपने मुख्य द्वार पर रखते हो तो ये सही नहीं है, ये पूर्ण रूप से गलत है, इससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। आपके लिए बेटर होगा कि आप गणेश जी के मूर्ति के जगह आप वहां पर में चांदी का स्वास्तिक लगवा लें। 100-150 रुपए की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चांदी का स्वास्तिक आप एक बनवाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर में लगवा लें। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो है वो कभी प्रवेश नहीं करेगी और ये झगड़ा जो है, रोज का कलेश जो है, दुख, बीमारी, दर्द, ये सब धन हानि, ये सब जितने भी योग है, ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। चौथा जो है वो है मोर का पंख। मोर का पंख आप अपने घर में जरूर रखें। यदि आप मोर का पंख रखते हो तो आपके घर में कभी भी इस प्रकार का झगड़ा, वातावरण दूषित नहीं होगा, यानी आप मोर के पंख को एक बहुत ही पवित्र और साफ स्थान बनाए, यानी आप जहाँ पे पूजा वगैरह करते हो, जहाँ पे बुक वगैरह, पुस्तक वगैरह रखते हो, यानी पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, उस जगह पर में आप मोर का पंख रखो, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। पांचवा जो है वो है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। आप बांसुरी एक खरीद के ले आओ। बांसुरी भी एक अवतार का अवतार है, ये भी धन, समृद्धि, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसे भी आप साफ सफाई करके एक उत्तम और पवित्र जगह पर में बांसुरी और मोर दोनों को एक साथ ही रख दो। फिर देखो आपके घर में कभी भी झगड़ा, क्लेश नहीं होगा। अगर हो रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके घर से नकारात्मक शक्ति दूर होती जाएगी, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आपके घर में ये सभी चीज़ें दूर हो जाएगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा, नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, कोई अस्वस्थ नहीं होगा और आप के घर में सब कुछ चकाचक रहेगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप ऐसे ही विशेष वीडियो के बारे में जानना चाहते हो और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं केवल और केवल आपके लिए ही ये चैनल बनाया हूँ। मुझे इस चैनल से दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदू धर्म के विषय में ही जानकारी देना है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें।